गुड एमसी दोस्तों, भारत की पवित्र और वीर भूमि पर ऐसे शूरवीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने समय समय पर मातृभूमि की आन बान और शान के लिए सर्वत्र कुर्बान कर दिया। ऐसे ही एक शूरवीर थे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे करीबी विश्वासपात्र व मराठा साम्राज्य के सेनापति और मुख्य सूबेदार तानाजी मालुसरे, जिन्हें उनकी वीरता, बल और सूझबूझ के लिए सिंह नाम से भी जाना जाता है। तानाजी का जन्म 1626 ईस्वी में सतारा जिला महाराष्ट्र में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज और तानाजी दोनों ही बचपन से घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने साथ में कई विजय युद्ध लड़े। ऐतिहासिक गाथाओं के अनुसार छत्रपति शिवाजी ने तानाजी को मुगलों के अधीन कोंढाणा किले को जीतने की बात कही। उस किले को फतेह करना कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन प्रतीत होता था, लेकिन शिवाजी को तानाजी पर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे को कायम रखते हुए उन्होंने तानाजी को किला मराठाओं के नाम करने की जिम्मेदारी सौंपी और तानाजी ने भी अपने पुत्र का विवाह छोड़कर अपने देश प्रेम को पहल दी। देखते ही देखते 1000 सैन्य टुकड़ी के साथ 5000 संख्या वाले दुश्मनों के नाको चने चबवा दिए। लेकिन दुश्मनों का रक्त बहाते बहाते उनका भी काफी लहू बह चुका था और वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते 4 फरवरी 1670 को वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके बलिदान की खबर जब शिवाजी को लगी तो उनके मुख से एक ही वाक्य निकला, गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो जीत लिया लेकिन शेर चला गया। उसी दिन से उस किले का नाम तानाजी को समर्पित करके सिंहगढ़ रखा गया। समस्त आईएमसी परिवार महान योद्धा तानाजी मालुसरे को उनकी शहीदी दिवस पर उन्हें नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।